सबको मेरी अयोध्या से राम राम, आप सबको मेरी जय श्री राम। हमारे आपके हम सबके प्रभु राम 550 साल बाद अपने महल में पहुंचे हैं। अयोध्या ही नहीं, जैसे मैंने कहा, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसमें एक ही धुन बज रही है, वो है राम धुन। तो आ गए हैं राजा राम, तो जय श्री राम की उद्घोष के साथ राम कला का स्वागत करिए। और मेरे साथ अनुपम खेर है, मैं अनुपम खेर का रुख करता हूँ। अनुपम जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आपका अभिनंदन है। आज जब हम वहाँ पर थे तो आप भावुक हो रहे थे, आपको आंसू आ रहे थे, क्या कहना चाहते हैं, लोग सुन रहे हैं आपको। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बहुत बार जिंदगी में ऐसे दृश्य हुए हैं जो मैं भावुक हुआ हूँ, लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। आई थिंक ये सालों की जो हमारा प्रयत्न था कि राम मंदिर जो है उसकी स्थापना हो, उस प्रयत्न को आज साकार होते देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, मैं आपको देख रहा था, आपकी आंखों में कितने आंसू थे और आप भाव विभोर थे, और प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे तब भी आपकी आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक थी राम और राष्ट्र, भारत और भारत की संस्कृति, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री के मैंने बहुत सारे भाषण सुने हैं और मैं उनके बहुत सारे भाषणों का मुरीद हूँ, लेकिन आज का उनका भाषण जो था वो लोगों को एकत्रित करने का बारा था, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में था, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो हमको एक जिस्म से हमारे जो उनके आशीर्वाद हैं, राम को राम क्या बनाते हैं, उन सब के बारे में था। और बहुत ही मैं आत्मविभोर हो गया था। मैंने ये देखिए, आज जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये एक सैलाब है, लोगों का सैलाब नहीं है, ये एक किस्म की भावनाओं का सैलाब है, भावनाओं का सैलाब है। बड़ी सुंदर बात बोली, लेकिन आज आपका परिधान बहुत अलग था, आज आपने कश्मीरी कपड़े डाले थे, भगवा पगड़ी डाली हुई थी, वो देखकर मैं को तो बहुत अच्छा लगा। आपने क्यों डाला था, आपके मन में क्या था? देखिए, रामचंद्र जी को आज वापस आने का मौका मिला घर पे जी, भगवान होकर। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू 32 साल से, अभी 34 साल हो गए, वापस नहीं आए, तो उनका आज इधर आना प्राण प्रतिष्ठान महासमारोह में एक सिंबॉलिक तरीका था। उन सबको लेकर मैं साथ में चला, उन सबको लेकर मैं यहाँ आया, इसलिए मुझे अपने दादाजी को रिप्रेजेंट करना था, मेरे अपने पुरखों को रिप्रेजेंट करना था, इसीलिए मैं फेरन और साफा पहनकर आया था जी। ये बहुत खूबसूरत बात के लिए, आप बैठिए मेरे साथ। शैलेश चौधरी भी है, शैलेश चौधरी, लोगों का सैलाब है, एक लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों का सैलाब नहीं है अमीश, ये भावनाओं का ज्वार, भावनाओं का सैलाब है, ये उत्साह उमंग उल्लास की पराकाष्ठा से भी परे है, ये अद्भुत है, ये असंभव सी चीज है जी। जो देख रहे हैं वो कमाल का है जी, मतलब ये देखिए ना आप, और ये स्वतः स्फूर्त है, किसी ने कहा नहीं है जी। ये किसी ने कहा नहीं है, ये अपनी भावनाओं से उमड़ के लोग आए। आज अयोध्या की सड़कों पे देखिए आप जी, लाखों लोग, ये पीछे भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहे हैं, वो देखिए क्या हो रहा है, अद्भुत नजारा, वो देखिए क्या हो रहा है, ये नया भारत है, संस्कृति के लिए पब्लिक को दिखाइए जरा, किस तरह से पब्लिक भाव भी बोर हो रही है, ये अद्भुत है। राम की धुन में मग्न होके कुछ राम 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 एक नाच रही है, राम 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 राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, वाह वाह भारत वाह। आपकी आप ये भारत बदल गया अनुपम खेर साहब, उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा भारत। 10 साल पहले सोचा था कि 2014 में एक मोदी आएगा और क्या से क्या हो जाएगा भारत। मर्यादा पुरुषोत्तम वापस आए और भारत ना बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? पब्लिक यहाँ डांस कर रही है, पब्लिक यहाँ मस्त है, पीछे लेजर शो चल रहा है, राम धुन बज रही है, अलौकिक माहौल है।
अलौकिक माहौल है, दिव्य माहौल है, और ऐसा माहौल है कि बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, आवाज मेरी भी बैठ रही है क्योंकि पीछे रामधुन इतनी बड़ी चल रही है और अद्भुत हो रहा है, अद्भुत नजारा हो रहा है। आज जब आप वहां मंदिर के प्रांगण में मौजूद थे, आपको लगा आपके पूर्वजों ने कुछ बहुत बड़े पुण्य करे होंगे, आपको वहां जाने का सौभाग्य मिला? पूर्वजों ने पुण्य नहीं किए थे, पूर्वजों ने आज आशीर्वाद दिया था, पूर्वजों का आज मेरे आशीर्वाद था कि मैं यहां आऊं और इस प्राण प्रतिष्ठान के समारोह में महासभा, देखिए सैलाब है यहां पर लोगों का, भावनाओं का सैलाब है, राम जी की भावनाओं का सैलाब है। मेरा एक निवेदन है, आप लोग पीछे हो जाएं क्योंकि माताएं बहनों को कुछ तकलीफ हो रही है। मेरा निवेदन है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में हैं, तो मर्यादित होके बैठे, बैठ जाए प्लीज, मेरा निवेदन है। खेर साहब, अब बात करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि आज भावनाओं का सैलाब है, लोग राम धुन को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक चीज आज जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो मुझे कश्मीरी पंडितों की बहुत याद आ रही है। कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ वो भी 19 जनवरी को ही हुआ था, आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, हमने कश्मीर फाइल्स में वो दिखाया, वरना कश्मीर फाइल्स जब तक नहीं बनी थी तब तक लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा हुआ है। लेकिन अब राम जी वापस आ गए तो हमें लगता है कि हमें भी अपने घर जाने का वापस मौका मिलेगा। बहुत सुंदर बात, आप बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। जी जी, और ये एक जी, ये एक भावना ऐसी है जी, ये एक पीड़ा ऐसी है जी, जिसको अभी आज मरहम मिला है, एक उम्मीद मिली है, एक भरोसा मिला है। मगर मैं आज अमित जी, बहुत मुश्किल है आपसे किसी और चीज के बारे में बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, आज राम के बारे में बात, आज राम के बारे में, आज राम के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन राम भारत की आत्मा है और आज शायद ये देश महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज दो तीन चीजें थी, अगर आप उस भाषण का अपने शब्दों में विश्लेषण करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भाषण का विश्लेषण होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाषण नहीं था, ये एक संवाद था देश के जनता से जी, ये राम की वैल्यूज का संवाद था। देखिए देखिए, ये राम की स्टार पावर है, ये राम की स्टार पावर है कि लोग राम की नगरी में आज तमाम सितारों को जमीन पर देख रहे हैं। नहीं नहीं, तमाम सितारे आज जमीन पर आ गए हैं, हम सितारे तो रहे नहीं, हम तो भक्त हैं जी, भक्त बनकर आए हैं, भक्त की भावना लेकर आए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, टीवी पे सब सुनाई दे रहा है, टीवी पे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन 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 राम का भजन कोई आप गाते भी हैं? कुछ सुनाना चाहेंगे राम? नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करिए। एक एक आखिरी आखिरी सवाल मेरा, आज प्रधानमंत्री मोदी को देखकर क्या लगा? देखिए, मैं उनको आज पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ जी, उन्होंने इस पूरे आयोजन को, इस पूरे समारोह को जी एक आत्मीयता का रूप दिया है, ऐसा लगता है कि बहुत एक आत्मिक तरीके से एक डिग्निटी दी है जी, वरना देखिए हर्षोल्लास का तो मौका है ही, राम जी वापस आए हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन पिछले 11 दिनों में जिया है या जीते चले आए हैं बहुत सालों से, मगर पिछले 11 दिनों में, और उन सब जगह गए जहाँ जहाँ राम गए, जहाँ प्रभु राम गए थे उन जी, सब जगह गए जी, और 11 दिन का अनुष्ठान व्रत किया और कठिन तप किया, आज उसके बारे में जानकारी मिली और तब भी आपकी आंखों में आंसू थे? आंसू सिर्फ ट्रेजेडी की वजह से नहीं आते हैं जी, आदमी जब भाव विभोर हो जाता है, खुशी होती है, जब खुशी होती है तो उसके भी आंसू आते हैं। आज मन कितना खुश है, इसको कैसे, आज मन बहुत हल्का है, हल्का है मन, बहुत हल्का है, इसको कैसे शब्दों में लेकर आएंगे? जब मन बहुत हल्का हो और जब मन ऐसा हो तो शब्द मिलते ही नहीं है, आज सिर्फ मुंह की रहने वाला, ये शब्दों के जादूगर के मालिक हैं, शब्दों के, आप शब्दों की बात इनसे करिए, शब्दों में मन को कैसे लेकर आएंगे आप शब्दों में? मैंने जैसा कहा कि मन जो है वो प्रफुल्लित है, हर्षित है, और हर्ष और प्रफुल्लता की सीमाओं से परे है, मतलब मुझे लगता है आज हिंदी शब्द कोश का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आज की भावनाओं को ठीक ठीक समझा सके। फिर भी कुछ कुछ पंक्तियाँ मैं क्या कहूँ, मतलब मैं
बस ये मैं इतना भाव विभोर हूँ और इतनी देर से जो मैं कह रहा हूँ मैं मतलब कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं जी, यहाँ कवि मौन हो जाता है, यहाँ जिह्वा की अपनी सीमाएं हैं जी, इसके आगे आदमी क्या कहेगा। खेर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे आप? खेर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं खेर साहब से क्या पूछना चाहूंगा, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं। ये मैं यही कहूंगा कि ये दिन आया, देर आया, लेकिन अनुपम ये दिन है, खैर आया। शैलेश भाई, शैलेश भाई, सबसे पहले तो आपको मेरा आभार कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया आज, क्योंकि आजकल न्योता अस्वीकार करने का भी दौर चल रहा है तो आपने हमारा न्योता स्वीकार किया यहाँ पर। देखिए, न्योता अस्वीकार वो करते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं जी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ वही आ पाता है जिन्हें राम बुलाता है, लेकिन अंत में तो राम सभी को बुला लेते हैं। देखिए, अंत में भले ही राम सभी को बुलाते ही हैं, क्योंकि अंतिम सत्य ही राम नाम सत्य है, लेकिन वो लोग जो यहाँ का निमंत्रण आने के बाद ठुकरा दें, ऐसे लोगों पे दया आती है। बहुत अच्छा। ऐसे लोगों पे क्रोध नहीं आता, दया आती है। इस धरती पे पैदा होके जिनके जीवन में उनके नामकरण से लेके जब तक वो संसार छोड़ेंगे तब तक राम है, और आप राम के बुलाने पे अगर नहीं आ रहे, राम आदि भी हैं, राम अनंत भी, जो मैंने हमेशा कहा है कि राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है, राम इस धरती पर विष्णु का प्रादुर्भाव है, राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान और राम ही प्रारब्ध है, तो राम के बिना कुछ है ही नहीं। और वो दुर्भाग्यशाली लोग जो नहीं आते उन्हें राम जाने। आज 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 आप भी थे जी, काफी सारे संत महात्मा थे जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं इस देश के, संत जी, महात्मा जी, और हमारे साथ बाकी भी सेलिब्रिटी थे। हम लोग तो वो हैं जिनके चेहरों पे मेकअप की चमक है जी, ये संत वो लोग हैं जिनकी आत्माओं की तालिया, चमक है। तालिया इस बात पे। और शैलेश भाई, मैंने आज अनुपम खेर के आंखों में आंसू देखे, मनोज जोशी मेरे साथ थे, उनकी आंखों में आंसू देखे। आपकी भावना क्या थी जब रामलला विराजमान हुए? मैं डबल माइक लगा देता हूं आपके पास। नहीं नहीं, मैं डबल की कोई जरूरत नहीं है मेरी, मैं ये कहना चाहता हूं मेरी क्या, वहां जितने लोग होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्षण जब आए और आपकी आंखों से आंसू ना निकले, लेकिन हमारे आंसू खुशी के थे, हमारे आंसू संतुष्टि के थे, हमारे आंसू समर्पण के थे, हमारे आंसू भक्ति के थे, हमारे आंसू आस्था के थे, हमारे आंसू विश्वास के थे, हमारे आंसू इस बात के थे कि 500 बरस बाद और इतने सालों बाद टेंट से निकल के इतनी बड़ी लड़ाई लड़के राम आज यहाँ पे उपस्थित है, इस बात के खुशी के आंसू थे। बहुत बहुत अच्छा। एक अभी भी आपकी आंखें भरी हुई है। मैं बिल्कुल भावुक हूँ, और भावुक क्यों ना हो, ईश्वर ने वो क्षण हमें दिया। अमीश, मुझे बताइए 500 सालों बाद ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, चिदानंद जी यहाँ पे विराजे हुए हैं, और इस देश के 140 करोड़ लोग जो आज टीवी पे देख रहे थे, दुनिया के सबसे भाग्यशाली पीढ़ी अगर है तो हमारी है कि 500 साल बाद हमने ये दृश्य देखे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का संबोधन, आपने प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकातें करी है, कई बार संबोधन किया है, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन के क्या लगा? क्योंकि आज मुझे किसी ने एक शब्द लाइन बोली कि स्वामी विवेकानंद याद आ गए। निश्चित तौर पर आज जब वो बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक प्रकाश प्रस्फुटित होता है। एक क्या बढ़िया लाइन उन्होंने बोली कि ये आग नहीं है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये नई ऊर्जा है, और उन्होंने कहा कि ये विजय हमें विनय देगी, और विनीत होना बहुत जरूरी है। एक आपकी अगर इजाजत हो तो एक प्रसंग रामायण का मुझे याद आ गया कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था, और युद्ध क्योंकि धर्म युद्ध होते थे, रात को युद्ध नहीं होता था सुबह, तो युद्ध के पहले लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं प्रभु श्री राम से पूछ लूं कि मेघनाथ जो उसके पास तो अमोघ अस्त्र है, वो तो ब्रह्मास्त्र चला देगा, तो उससे मैं कैसे युद्ध करूं। सुबह का वक्त था, प्रभु के पास गए, प्रभु पूजा में थे, तो बजरंगबली ने कहा कि पूजा में, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि एक कोई भी पात्र लेके जाओ और सामने जो भी कोई पहला आदमी मिले उससे कुछ मांग लो। लक्ष्मण ने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या दे रहे, कुछ भी मांग लो जाओ। वो गए और सामने रावण का एक सैनिक आ रहा था कि भाई मुझे कुछ दे दे, तो उसने कुछ अन्न के दाने लक्ष्मण जी को दे दिए। अब और कोई वक्त होता तो लक्ष्मण जी क्रोधित, वो तो रावण के सैनिक को वहीं वध कर देते, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था मुझे कुछ दे दे, अन्न दे दिए। युद्ध हुआ, मेघनाथ ने उनपे अस्त्र छोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जैसी अस्त्र उनकी तरफ आने लगे, लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया तो वो अस्त्र वापस लौट गए। इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेके तीर छोड़ा, मेघनाथ अहंकार में हंसने लगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लौटे
तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने पूछा था कि मुझे कुछ बता दे, उन्होंने मुझे मांगने भेज दिया। तो प्रभु श्री राम ने बजरंग बली को कहा कि मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे मालूम है कि लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के हैं, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब किसी से कुछ मांगेंगे ना तो उसमें विनीत स्वभाव आएगा, विनय होगी। मेघनाद के अस्त्र जब सामने आए, उस विनय स्वभाव की वजह से उन्होंने हाथ जोड़ दिए तो अस्त्र लौट गए। अगर मेरे तीर के सामने मेघनाद भी हाथ जोड़ देता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता। विजय विनय सिखाती है, विजय विनय सिखाती है। जब भी सफल हो, जब भी कुछ अच्छा हो, ये विनीत होना चाहिए, विनीत होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण की हम बात कर रहे थे, बैठिए चले भाई। अब प्रधानमंत्री के हम भाषण की बात कर रहे थे, भावुकता का ये पल है। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं जोश के साथ जय श्री राम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ होश बरकरार रखनी है। जैसा शैलेश जी ने बोला कि विनीत होना चाहिए, लेकिन भावुकता का ये पल था, प्रधानमंत्री भी भावुक हुए। बिल्कुल हुए, और ये भावुकता का पल था। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, मैं चूंकि कवि हूँ जी, जब आप रामलला की मूर्ति देखी तो भावुक होना स्वाभाविक था। आप तो अभी भी हो रहे हैं। मैं अभी भी हो रहा हूँ, और क्यों हो रहा हूँ, मैं अभी तक वो वाइब्रेशन जा नहीं रही है और जाएंगी भी नहीं, वो अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी रूह में, क्योंकि ये आप मैं भावनाओं के द्वार सकल आए, आप मैं भावनाओं के द्वार सकल आए। हम कहते हैं कि हम इतिहास बदल आए, और रामलला के दर्शन को आंसू भी बेताब थे इसलिए आंखों से निकल आए। आपकी बात सुन के, आपकी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। क्या आपको लगता, आप तस्वीरें देख के रखे कि किस तरह से भावनाओं का सैलाब आ रहा है, यानी अनुराग जो है वो रुक नहीं पा रहा है। अमीश, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कितनी कुर्बानियां, कितने प्राण नौछावर हुए, कितनी लाठियां खाई लोगों ने, कितने लोग जेलों में बंद हुए, कितने लोगों ने अपना यौवन कुर्बान कर दिया, कितने लोगों ने इसके लिए प्रतिज्ञा की, प्रतिष्ठा बना, मतलब प्रतिज्ञा करके कहा कि ये वचन है हमारा, हम इसे पूरा करेंगे। और 27, 28, 29 सालों की कानूनी लड़ाई, और उसके पहले 500 सालों की नैतिक लड़ाई, उसमें जब ये दृश्य आया है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, जब टेलीविजन पे लाइव, आपने दर्शन करके आया आप? मैं दर्शन कर पाया, दर्शन करके सौभाग्यशाली हूं, मैं भी दर्शन करके आया हूं। वो कुछ क्षण ही जो थे वो जीवन भर बिताने के लिए काफी है। मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट व्यूअर्स आप लोगों के साथ, आज जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो बड़ी लंबी कतार थी, तो काफी इंतजार कर रहे थे, और मेरे साथ आगे सोनू निगम थे, कैलाश खेर थे, आगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर थे, ये भी थे भाई, ये भी थे, और ये मेरे सहायक बने, और इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया वहां पर कि हम जाएं और दर्शन कर पाएं। लेकिन राम लला जो थे वो 550 साल का इंतजार कर रहे थे, करवा रहे, उनको हमने कराया, तो उन्होंने लगभग 1 घंटे का हमें इंतजार कराया, क्योंकि दोपहर का भोग था, उसका इंतजार करना पड़ा, और जब दर्शन हुए तो नजारा अद्भुत था। हमें राम को देखकर क्या लगा, और आज प्रधानमंत्री ने बोला हमारे राम आ गए, आ गए, आ गए, निश्चित तौर पे आ गए। देख के यही लगा कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में ये क्षण ईश्वर ने हमें दिया कि हम उस विग्रह, उस मूर्ति को देख सके, राम लला को देख सके, उस जगह बैठ सके। मैं आपको बताऊं, आज जब लाइव चल रहा था प्रोग्राम, अलग अलग चैनल पर लोग देख रहे थे कि हम वहां उपस्थित है, आप यकीन मानिए, अमेरिका से, कनाडा से, सिंगापुर से इतने मैसेजेस मेरे पास कि आप कितने भाग्यशाली है कि आप वहां हैं। लोग तरस रहे थे कि वो यहाँ आ जाएं, यहाँ पहुंच जाएं, और आज जब ये दृश्य, ये जब समा, ये क्षण आया तो याद जी, ये शब्दों से परे, ये शब्दों से परे है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कई बातें करी, लेकिन एक दो चीजों पर बात करनी जरूरी होती है शैलेश भाई, और आप हो साथ में स्वामी चिदानंद जी है, तो राम का आज के दौर में औचित्य क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं राम का आज के दौर में औचित्य क्या है, इतने बड़े स्वामी बैठे, मैं कहूंगा कि आज का दौर हो, कल का दौर हो, कोई दौर हो, आप हमें यह सवाल ही नहीं करना चाहिए कि राम का दौर में क्या औचित्य है। राम है तो दौर है, बिल्कुल, राम नहीं तो दौर नहीं, राम नहीं तो समय नहीं, राम नहीं तो पल नहीं, राम नहीं तो क्षण नहीं, राम नहीं तो मृत्यु नहीं, राम नहीं तो जीवन नहीं, राम नहीं तो मन नहीं, राम नहीं तो तन नहीं, बहुत शानदार, तो सब कुछ है। तो राम पर, राम पर, राम पर, और दिए प्रज्वलित हो रहे हैं, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। आप तो राजस्थान की धरती से आते हैं, मेवाड़ की धरती से आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं मेवाड़, मारवाड़, सारा राजस्थान मेरा है, मेवाड़ में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई, मारवाड़ में पैदा हुआ, और जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं,
राजस्थान में कोटा के कवि जगदीश सोलंकी जी, उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आ गई। मेरा गला आज बहुत खराब है स्वामी जी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गा के पढ़ते हैं, वो चार पंक्तियां गा के पढ़ देता हूँ। ये दीप प्रज्वलित होने पर उन्होंने क्या कहा है, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाखे झुका न सकी, हमने शोलों पे शैया सजाई सदा, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी, हम शहीदों के कुलबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी, और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। बहुत शानदार बहुत अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तस्वीरें इस समय लाइव आप देख सकते हैं, और इसी कड़ी में वो आगे की चार पंक्तियां कहते हैं। सुना दीजिए, तालियों के साथ साथ दीजिए भैया। सोलंकी जी की वो कहते कि बार देहरी की गर्द सवारों मगर गैर के दर्द हाथ बटा कर जियो, और चंद पल की ये सांसे समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा कर जियो, चाहे घर का दिया क्या मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो, और सर झुका करके जियो, जिसे मरना भला जियो, सर झुका कर जियो। शानदार। आज राम की बात, आज राष्ट्र की बात, आज हमारी संस्कृति की बात। सांस्कृतिक पुनर्जागरण है ये, इस ये भी कहा जा रहा है, और मैं इसे मानता हूँ ये भारत के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। आपकी इस पर राय क्या है, और आपके अंदाज में शैलेश भाई? देखिए अमीश, मुझे नहीं मालूम मेरा अंदाज क्या है, मैं तो बेबाक व्यक्ति हूँ जैसा सोचता हूँ। मुझे पता है आपका बेबाकी अंदाज है, जोरदार तालियां शैलेश भाई के लिए। जैसा सोचता हूँ वैसा बोलता हूँ। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, ये हमारी जो युवा पीढ़ी, जो अंग्रेजी दा पीढ़ी है, अंग्रेजी भाषा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। लेकिन अंग्रेजी बोल के ये कहना कि हमें हिंदी से समस्या है, हमें तिलक से समस्या है, हमें ये दुपट्टों और भगवा रंग से समस्या है, हमें मंदिर जाने से समस्या, उन्हें लगता है बड़ा अनुकूल है, वो फैशन में नहीं है। आज देखिए आप सड़कों पर जरा निकल के देखिए, आपको चारों ओर जब नजर आएगा वो ये तिलक नजर आएंगे, चंदन नजर आएगा, ये भगवान नजर आएंगे, ये नारे नजर आएंगे, संस्कृति के प्रति ये सम्मान और प्यार नजर आएगा। किसी जमाने में कहीं मैंने कहा था कि आदमी अपनी संस्कृति से क्यों इतना जल्दी उब जाता है, पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके सूरज भी डूब जाता है, और आज एक नए सूरज के उगने का निर्माण हुआ, ये क्षण आया और ये रोशनी चारों ओर फैल रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सब तो अपने घर में दिए जला रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मोबाइल फोन है, उसकी लाइट कौन कौन ऑन करेगा? आप तैयारी करिए मोबाइल फोन की लाइट ऑन करने की, और सबकी लाइट ऑन होनी चाहिए। जो राम का है उसकी लाइट ऑन होगी फोन की। जय श्री राम। इन्हें भी करनी है, मुझे भी करनी है भाई, मुझे भी करनी है। लाइट ऑन है, ये देखिए, ये है ताकत सनातन की।